हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लाजो पैंट या फिर ट्राउज़र की बॉटम पर ये जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से बनाया जाए। तो इसको बनाने के लिए आपको जितनी भी ट्राउज़र की लेंथ चाहिए उसमें से आप 5 इंच लेस करके ट्राउज़र या प्लाजो पैंट की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर 5 इंच का डिज़ाइन लगाना है, इसलिए मैंने जितनी मेरी लेंथ थी उसमें से मैंने 5 इंच माइनस करके लेंथ ली है। कटिंग करते समय ट्राउज़र की, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्राउज़र के फ्रंट और बैक को आपस में मिलाकर साइड स्टिच कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें साइड स्टिच करनी है, तो मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, फिर हम डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर साइड स्टिच लगा लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमें देखिए, मैं पूरी कैपरी की आपको डिज़ाइनिंग नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं बॉटम का बता रही हूँ। तो हमें साइड स्टिच करने के बाद ही डिज़ाइन बनाना शुरू किया है करना है। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये स्ट्रेट पट्टियाँ काटनी हैं और इन पट्टियों में को मैंने 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। ठीक है, इसको हमें यूं, एक तो तरीका ये है कि आप यूं इस तरीके से रखकर इसको स्टिच कर लें, ठीक है, और फिर इसे पलट लें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको यूं रखें और यूं स्टिच कर लें। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये स्टिच करके दिखा। मैं यहाँ पर यूं हमें इस स्ट्रिप को अंदर को फोल्ड कर लेना है और ऊपर से स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से हमें सारी की सारी स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने सारी की सारी स्ट्रिप स्टिच कर ली है। ये हमें सीधे कपड़े से कटिंग करनी है और स्टिच करनी है। इसके बाद हमने ये पेपर ले लेना है, 5.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा फ्रंट और बैक है प्लाजो पैंट का उतनी हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट थी वो 5.5 इंच है, तो हमें 5.5 इंच ही इस कॉर्नर से निशान लगा लेना है और यूं एक तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब हमें ये स्ट्रिप्स जो है लगानी शुरू करनी है। अगर आप सेम इसी डिज़ाइन से स्लीव बनाना, नेक बनाना और लेडीज़ कुर्ती की लेंथ बढ़ाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में ऑलरेडी ये वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए, पहली स्टेप जो है हमें यूं स्टिच करनी है, तो हम डायरेक्ट जो है मैं आपको स्टिच करके ही दिखा देती हूँ। तो देखिए, हमने सबसे पहले ये कोई भी आप सिंपल पेपर ले लीजिए, ठीक है, तो हमने कॉर्नर से देखिए जो यहाँ वाला कॉर्नर है उससे 5.5 इंच नीचे की साइड ले लिया है और पहली ये स्ट्रिप लगानी शुरू कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए, इस स्ट्रिप का जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर से आपको 1 इंच पर निशान लगा लेना है और नेक्स्ट स्ट्रिप आपको यूं लगानी है। यहाँ पर मैंने स्ट्रिप की जो स्टिच की है वो ऊपर से की है, तो एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जब भी जो सब सिलाइयों का रुख है स्ट्रिप की वो एक तरफ को ही हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 1-1 इंच के गैप में हमें ये स्ट्रिप लगा लेनी है बिल्कुल बराबर। अब देखिए, यहाँ से 5.5 था तो यहाँ से भी हम 5.5 पे निशान लगा लेंगे और यूं इन स्ट्रिप को तिरछी तिरछी अटैच करते जाएंगे पेपर के साथ। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम ये स्ट्रिप पेपर के साथ अटैच कर रहे हैं तो हमें मशीन का बड़ा बखिया
कर लेना है। सेम इसी डिज़ाइन से मैंने स्लीव बनाना और कुर्ती की लेंथ बढ़ाने का तरीका और नेक बनाना भी सिखाया है एक गर्ल्स टॉप में। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकती हैं। तो ये देखिए, अब जो बचा हुआ कॉर्नर है वहाँ पर भी हम ये स्ट्रिप लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर अब ये दूसरी वाली स्ट्रिप जो है वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। स्ट्रिप के बीच में जो गैप है वो एकदम बराबर होना चाहिए, तो पिन की मदद से मैं यहाँ पर इन स्ट्रिप को अटैच कर रही हूँ। तो इनके बीच का जो गैप है वो एकदम बराबर होना चाहिए। अगर आप इस क्रिस क्रॉस डिज़ाइन से कुर्ती की लेंथ किस तरीके से बढ़ाई जाती है अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पूरा लगा लिया है। अब हम एक बड़ा बखिया चारों तरफ लगा लेंगे। तो मैं ये आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, हमने चारों तरफ से बखिया लगा लिया है। अब इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमें ट्रिमिंग कर लेंगे। अब हम अपना प्लाजो लेंगे और प्लाजो की सीधी साइड पर यूं हमें इसे रखना है और यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है बिल्कुल बराबर। तो मैं ये स्टिच आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे प्लाजो के साथ स्टिच कर लिया है। अब मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप ले ली है और इसे यूं इस तरीके से यहाँ पर रख कर एकदम सीधी स्टिच लगा लेनी है। तो मैं ये स्टिच आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने ये स्ट्रिप स्टिच कर ली है। इसके बाद ये किनारे में जो पेपर है उसे हम आराम से निकाल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत पेपर का पीस अंदर रह भी जाता है तो वो जब हम प्लाजो को धोते हैं तो ये आराम से खुद ही निकल जाएगा। इसके बाद हमें इसे ऊपर की तरफ टर्न करके तुरपाई कर लेनी है। अब देखिए, हमें बॉटम की फिनिशिंग करने के लिए ये मैंने 3 इंच का कपड़ा ले लिया है और इसे यूं डबल कर लेना है
और इस तरीके से नीचे की तरफ रख कर स्टिच कर लेना है। तो मैं ये स्टिच करके आपको दिखा देती। तो ये देखिए मैंने बॉटम में स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हमें इसे टर्न करके सीधी साइड को लेके आना है और आप इसे जितना भी चौड़ा रखना चाहे उतना रख कर एकदम किनारे पर इसकी स्टिच लगा लेनी है। तो ये स्टिच मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास ये मोती हैं जो कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। मोती लगाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि मोती जिस डायरेक्शन में हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं यानी कि तिरछी तिरछी उसी डायरेक्शन में हमें मोती भी लगा लें हैं। तो ये देखिए मैंने सारे मोती लगा लिए हैं। अब हमें इस पेपर को आराम से निकाल लेना है। और इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ तुरपाई कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे मोती लगा लिए हैं। अब हमें साइड में फ्रंट और बैक को आपस में मिलाकर स्टिच कर लेना है। ठीक इसी तरीके से हमें दूसरा पैर भी ट्राउज़र का तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये जो पेपर है इसे हम बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत पीस रह भी जाता है तो जब हम ट्राउज़र को धोते हैं तो ये निकल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमें दूसरा पैर भी तैयार कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।